you are f***ing you, bloody. You bloody bastard. You f*** you. तो बाबू लोग, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पिक्चरों के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक पिक्चरें हैं। वाओ, वेरी डेंजरस। तो अगर तुमने इन पिक्चरों को नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखना, और अगर नहीं भी देख रहे हो तो फिर स्टोरी तो तुम्हें पता चल ही रही है इधर, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हें पता ही है, अनशन सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। तुम जाके कोई फायदा नहीं है, पुलिस की फील्डिंग आएगा ना, डरेगा तो नहीं? आ रहा हूं। इंसान के तो बाबा लोग, शुरुआत में ही अपने को देखने को मिलता है कि बंदा अपने सारे काम वाम एकदम, जैसे खाना वाना बनाना, ऊपर से किसी और की साइकिल की चेन लगाना, फिर साइकिल खुद भी चला के टेस्ट करना, ये सब कर लेता है। एंड दैट टू ही इज ब्लाइंड, व्हिच इज वेरी अप्रिशिएबल। नाइस। ऊपर से कोई आजू बाजू से आ जाए, अचानक इसको पहचान लेता है भाई एक सेकंड में। दिखरा, तुम बिना देखे रोज कैसे पकड़ लेता है? सबका कोड फिट किया है क्या नाक में? कुत्ता होना सूंघ लिया। One day somebody sets a blind date for him with another blind girl. तो दोनों blind date पे जाते। क्या बात है सर? कितनी प्यारी सी love story होती है इनकी, छोटी सी अपनी एक दुनिया जहाँ दोनों एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हैं भाई, एकदम ऐसे unconditional love, इतनी बेरहम दुनिया में दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं भाई, just perfect man। और दोनों शादी भी कर लेते हैं। तेरे लिए special gift लेके आया हूँ। क्या? फुग्गा, गुब्बारे, condom। जफर, thanks यार। जल्दी करना यार। बज गया सायरन, अब निकलेगी सवारी। गया अपने लंगोटी के साथ सैर करने। अरे ब्रो, ये दुनिया है भाई, कोई किसी को खुश कहाँ देख सकता है? ऐसे ही कुछ कमीने इनके मोहल्ले में भी रहते हैं, और वो आ जाते हैं इनसे फुल पंगे वंगे लेने के लिए। पर फुल ट्राई मारने के बाद भी अब इनसे एक काम वाली भाई नहीं पड़ती। शक्ल देखी अपनी? तूने तो अंधेरे में अच्छा खासा तीर चला लिया यार। फिर मारने का है तू? आवाज सुप्रिया, क्यों चिल्ला रही हो? ये लड़की हमसे बदतमीजी कर रहे, पर तुम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। आइला जावे। The next day. Later that same evening. मुझे बता क्या हुआ सू? सू? अंधा है क्या लौंडे? बंदा जाके रिपोर्ट फाइल करता है और ये लोग मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं, पर इनको एकदम से गोदाम में पकड़ के बंद कर देते हैं ब्रो। क्या रहे? अरे मकबूल, तुम यहाँ 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे, फिर तू जा। अरे पर क्यों? The next day. आप 30 घंटे के बाद आए, वो भी भीग कर। All evidence seems to have been washed away. Even पुलिस वाला also rejects their complaint now, ये बोल के कि तुम लोग फ्रॉड फ्रॉड। Eventually सब ठीक हो जाएगा। पीछे देखो, पीछे। अब ब्रो, जिसकी वजह से ये सब हुआ है ना, उसका बड़ा भाई एंटर्स एंड दिस मदर इज लाइक, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे। चुप कर बे कुत्ते। और ये गधे का बच्चा इसको फुल धमका के चला जाता है भाई। ऊपर से ये भी बता जाता है कि आत्महत्या करने का ही था, तो पहले रेप के बाद में क्यों नहीं किया, दूसरे रेप के बाद में क्यों? दूसरी बार मतलब? मतलब मेरा लौट मेरी सू के साथ फिर से उन्होंने क्या? कुछ भी बंकस कर रहा है सर ये। डोंट वरी इंस्पेक्टर नाला बड़े। लबड़े, अब आप लोगों से ना मुझे कोई उम्मीद है और ना ही सुख। और भाई फिर ये बंदा जाके पुलिस वालों को फुल पावर धमका के आ जाता है। आपकी आंखें तो खुली रहेंगी पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे, आपके कान खुले रहेंगे पर आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, आपका मुंह खुला रहेगा सर पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। केबीसी खेल रहा है तो हमारे साथ। बस एक बात, इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी सर। Plotting, this guy manages to kill one of them, which was that main balak priest funter. भाई KBC तो नहीं शुरू हो गया? सही पकड़े हैं। And then he goes on to kill the main culprit as well. And the main culprit का बड़ा भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गधा था। I believe I can fly. Hello, I am under the water. Please help me. Here too much raining. भाई जिसने ये पिक्चर नहीं देखी ना, तुरंत देखो भाई, बहुत कातिल मूवी है ये। वैसे तो ऐसे कोई डरावनी वरावनी नहीं है, पर भाई मैं खुद इतनी बड़ी फट्टू हूँ ना, ये मूवी हॉल में देखने के बाद मैं अपने माँ पापा के साथ सोई थी एक हफ्ते तक। तो बस हवा निकल गई। अब होता ये है कि बंदी होती है एक बहुत ही बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट, बहुत आउटगोइंग बंदी, और एक दिन इवेंट से वापस आते हुए एक हरामी कैब ड्राइवर वाला कर देता है उसको मोले। Oh, my God.
ट्रॉमा हो जाता है ना कि बंदी इज नाउ अफ्रेड टू इवन गेट आउट ऑफ हर रूम एंड मीट न्यू पीपल इवन हर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स आल्सो। चार घंटा बच्चा सड़क पे खड़ा रहा, घर के अंदर क्यों नहीं आ पाया आपने? क्योंकि तुम यहाँ से उठ के दरवाजे तक जा नहीं पाई, दरवाजा नहीं खोल पाई बच्चे के, बच्चे को कुछ हो जाता तो। अब बंदी को शिफ्ट करवा देते हैं अलग अपार्टमेंट में जहाँ उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती है। कभी सीवर से अजीब अजीब सी आवाजें। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। मेरे बेडरूम में बिल्ली है। Pussy. Lovely pussy, oh pussy my love, what a beautiful pussy. भाई इतना मेरे साथ हो जाए ना, मेरी तो फटके चार हो जाए और दोबारा कभी लौट के ना जाऊँ मैं इस मोहल्ले में भी वापस। पर भाई इस बंदी की प्रॉब्लम ना थोड़ी डिफरेंट थी। शी इज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ हर एग्रोफोबिया आफ्टर दैट इंसिडेंट। और घर के अंदर भी इसको अनशंट चीजें दिख रही हैं। एक्सक्यूज मी, भाई एक इसका ये हरामी दोस्त तो देख लो जरा। मैं खोल रही हूँ, तुम 10 काउंट करके आना। ओके या ओके अंदर आ जाओ। मेन विल बी मेन। अब इतने इंसिडेंट्स के बाद ये बंदा आके यहाँ लगा देता है कैमरे। और भाई एक रात कैमरे में देख के इसकी क्या मेरी खुद की फट गई भाई। और फिर बाद में दोनों मिलके वो क्लिप दोबारा देखते हैं तो भाई कुछ नहीं दिखता। और डॉक्टर कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे अंदर रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच जी तोड़ लड़ाई चल रही है, तुम्हें इस फोबिया को फेस करना होगा। महक भाई एक तो ना इस बंदी ने ही अलग फाड़ के रखी हुई है इस पूरी पिक्चर में, जहाँ भूत से डर ना लगे वहाँ इसने अलग डरा के रखा हुआ है। पर भाई फिर भी इसके साथ ना ऐसे इंसिडेंट्स होना बंद नहीं होते। समझ नहीं आ रहा होता कि भाई चल क्या रहा है ये सब, और हमें भी अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। बट नो ब्रो, जब मुझे छूते हो मुझे घिन आती है, तुम्हारे हाथ गंदे, तुम्हारा दिमाग खराब। नाउ शी रियलाइजेस कि उस ड्राइवर में और इस लड़के में कोई फर्क ही नहीं है भाई, दोनों उसको गंदी नजरों से ही देखते हैं। मुझ पे आंखें डालते हैं, मेरी मर्जी के बिना तुमसे बात आती है क्योंकि तुम सड़े हुए हो। फिर दोनों में ना थोड़ी हाथापाई टाइप हो जाती है एंड देन शी रियलाइजेस कि अरे पैन ये सब तो कहीं देखेला देखेला सा लग रहा है। फिर उसे समझ आता है कि ब्रो उसने तो खुद को ही देखा होता है, मतलब खुद का ही फ्यूचर देखा होता है ब्रो। वो चलती हुई लाश जो उसको कैमरे में दिखी थी वो खुद थी, वो पैर जो देखे थे उसने इस गधे दोस्त के थे। सो बंदी लॉक से मप इन द रूम एंड फाइनली ओवरकम्स अ फोबिया ऑफ गेटिंग आउट इन पब्लिक एंड सेव्स हर लाइफ। जिसने नहीं देखी ना ये पिक्चर जरूर देखो भाई, इसका डायरेक्शन स्क्रीन प्ले सब एक नंबर है भाई। अगर तुम्हें बुरा लगता है आई कैन स्टॉप सीइंग हर। जाते जाते वो गार्बेज वहाँ फेंक दोगे क्या? What? कम से कम इतना तो खुद के लिए कर लिया करो। क्यों मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? वही कर रहा हूँ। आ जाओ। 12 seconds later. हेलो, सूजी है? सूजी है, हाँ बताओ। फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी। एक बड़ा ही नॉर्मल सा बंदा जिसका मकान मालिक भी उसकी लेनी देनी मचा के रखता है। 15,000 नहीं दे सकते हो? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किराएदारों की तो लाइन लगी पड़ी है। अपने बॉस से रोज गाली खाता है। इडियट, कुर्सी गरम करने के पैसे चाहिए तुम्हें? अरे एक काम क्या दे दिया मैंने, ये अब तुम मुझे अनरीजनेबल समझते हो। लाइक्स अ गर्ल वेरी मच इन हिज ऑफिस, लेकिन एक दिन भड़कबाजी में अपना फोन तोड़ देता है और दूसरा फोन लेने जाता है। बाहर अपनी क्रश को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बंदे को ऑफिस से भी निकाल देते हैं एंड दैट टू उसकी बॉस की गलती की वजह से। एंड ही वाज अबाउट टू गिव अप ऑन हिज लाइफ बट हैप्पी बर्थडे कार्तिक, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। क्या चल गया रहा है ये? बंदा सबसे पहले तो जाके पता करता है कि भाई ये सीन क्या है, तो टेलीफोन एक्सचेंज वाला कहता है कल रात आपको कोई फोन नहीं आया, आपका फोन नहीं कहाँ गया हुआ? फिर सुबह 5 बजे कॉल आता और भाई उसको इसके बारे में सब पता होता है ऑलरेडी, सेम आवाज, और ये उसको एडवाइस देना शुरू हो जाता है उसकी लाइफ चेंज करने के लिए। हेलो, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। यकीन करो कि सब ठीक हो जाएगा। और ब्रो अब ये फोन वाला बंदा उसको सेशंस देने लग जाता है रोज सुबह 5 बजे जिंदगी के लेसन। लेसन 1, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम किसी को ना नहीं कह सकते। लर्न टू से नो, जोर से बोलो जय माता दी, कॉन्फिडेंट होकर बोलो जय माता दी।
मेरे डिपॉजिट का क्या हुआ? दे रहे हो ना? बोलो, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं। किचन में लीकेज रिपेयर करवाने के 30,000, लिविंग रूम में जो फ्लोरिंग टूटी थी उसके 25,000, डिपॉजिट से घटाकर बचे 5,000। चीटिंग 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 करता है तू। फिर बंदा मॉल वॉल जाके ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करता, हेयर कट कराता, भाई अपना लुक ही चेंज कर डालता है। लेसन टू। और अब तुम तैयार हो कार्तिक टू सॉर्ट आउट दी अदर पुलिस। अब भाई बंदा में ना एकदम से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है खतरनाक वाला, अपने हरामी बॉस के पास जाके बहुत सारी मैच लगा के उसकी लेनी देनी मचा देता है। तुम्हें 10 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, 4 करोड़ का लॉस होगा। क्या बात कर रहे हैं? रेन क्लॉज नहीं दिखा, मतलब बारिश की वजह से अगर काम डिले हो गया तो सारा नुकसान तुम्हारी कंपनी का। एंड नाउ द पर्सन हु वाज ऑल द टाइम डरा डरा एकदम से ही ही इज लाइक, लाइसेंस रिन्यू करने का प्रोसीजर क्या है? मैं हूं, रिलैक्स, चिल। लेसन 3। अब सिर्फ सोनाली की नजर में आता है। सबसे पहले तो तुम जाकर उसके बॉयफ्रेंड से मिलो। इट्स टाइम ही वेंट बैक टू हिज वाइफ। द नेक्स्ट डे। ये बताओ कि सोनाली को अपने बीवी के बारे में कब बताओ? और भाई बंदी उसको 1, 2, 3, 4 चम्माट बजा देती है भाई। अब बंदा उसको पटाता है कभी कुछ करके, दीदी फिर फाइनली कॉफी के लिए मान ही जाती है। तो ये सब खास आज के लिए। ये नहीं, ये तो मेरी पॉकेट में पिछले 3 सालों से। अबे साले, मैं पागल पागल सा रहता हूँ, हर पल ये कहता हूँ मुझको। अब बंदे की लाइफ में सब सॉर्टेड होता है, हॉट सी बंदी होती है, प्रमोशन वाली जॉब होती है, नया घर, नया सब कुछ। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो के बाल में। बट किसी से कभी मत कहना कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? एंड वन डे हिज बंदी इज लाइक, प्रॉमिस मी कार्तिक, तुम मुझसे कभी कोई सीक्रेट्स नहीं रखोगे। वो ऐसा है कि क्या मुझे बवासीर है, प्लीज किसी डॉक्टर के पास चलो, पर ऑपरेशन से डरता हूँ। एंड देन डॉक्टर इज लाइक, ये सब सिर्फ एक वहम है। और भाई इस फोन वाले कार्तिक ने तो डॉक्टर की ऐसी तैसी कर दी भाई। मैंने वो कर दिखाया जो तुम और तुम्हारी ट्रीटमेंट परसों तक नहीं कर सकी। यू आर अ फेलियर। फिर अगले दिन उसकी बंदी आती है देखने के लिए कि क्या चक्कर है भाई ये बंदी। उसको कहती है फोन ही मत उठा भाई तू, कोई फोन से बाहर निकल के तुम्हारी जान थोड़ी ले लेगा। बंदा फिर भड़क भड़क में तार ही निकाल देता है फोन के पीछे से, और भाई तब भी फोन बज रहा होता है। बंदी इतना साइको बना देख के ब्रेकअप भी कर लेती है कि भाई ऐसा क्रेजी बंदा तो मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में। मतलब आज तक ऐसे बहुत लड़के टकराए होंगे जिनने ऐसे धोखा वोखा दिया, पर भाई ये तो कुछ अलग ही है बंचो। अब फोन वाले कार्तिक को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका माथा पिनक जाता है क्योंकि उसने अपना ही फोन नहीं उठाया। अब भाई वो उसको फोन करके धमका देता है। हेलो सॉरी, वो मैंने रुक तेरी माँ का, रुक तेरी माँ। उनका ब्रेकअप तो करवाया ही, साथ में फिर से जॉब से भी निकलवा दिया बेचारे को। बंदी को फोन करके कार्तिक की कॉर्निया उसका अकाउंट खाली कर देता है, 1 रुपया भी नहीं छोड़ता भाई उसके अकाउंट में। बंदा फिर अपना सारा सामान वमान बेच बाच के, मेरे लिए टिकट खरीदेंगे प्लीज किसी भी शहर का, मगर मुझे बताइएगा मत। आंखों पे जेट काले चश्मे वश्मे पहन के ट्रेन में निकल लेता है अननोन स्टेशन पे एंड चेक्स इनटू अ होटल। मेरे रूम का टेलीफोन डिस्कनेक्ट करके उसे बाहर रख दो, मेरा खाना भी आप रोज कमरे में ही भेज देना। Few months, बंदा इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इन साउथ इंडिया, बट उसका बॉस फिर एक दिन उसको कहता है कि भाई एक फोन ले ले यार प्लीज। फिर पता चलता है कि भाई ये बंदा सेल्फ रिमाइंडर वाले ऑप्शन से खुद के लिए वॉइस नोट्स छोड़ता था। डूड 0026 डायल करो और खुद की आवाज में मैसेज छोड़ जो अपने आप हैंडसेट पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर फोन डेड है तो भी इसके सारे फीचर्स काम करते रहेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखा जाए कि अगर ये बंदा उस टाइम अपनी क्रश को देखने पे टाइम वेस्ट ना कर रहा होता तो इसको सुनाई देती उस बंदे की बातें जो इसको बता रहा था कि फोन पे सेल्फ टाइमर का भी फीचर है। तो बाबा लोग, ये थी कुछ पिक्चरें जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मुझे पता है कुछ पिक्चरें हमने इधर मिस कर दी है, पर भाई वीडियो का टाइम लिमिट इतना ही होता है तो अगले पार्ट में जरूर हम उन पिक्चरों को डालेंगे। Actually, you know, you are overqualified for this job. हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल।